आप सभी का स्वागत है। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और आज का श्लोक भी महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आप अगर मनाते हैं तो किस तरह मनाते हैं, इसी से पता चल जाएगा कि आपकी बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि है अथवा नहीं। कृष्ण के नाम पर मटकी फोड़ने का, दही मक्खन खाने का, मिठाइयां बांटने का, इन सब का बहुत अर्थ है नहीं, क्योंकि कृष्ण को यदि सचमुच हम याद करते हैं, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति अगर कृष्ण की बात करता है, दुनिया में भी यदि श्री कृष्ण से संबंधित कोई बात होती है तो उस सब के केंद्र में होती है श्रीमद् भगवद गीता, जो स्वयं श्री कृष्ण के माध्यम से हमें मिली है। और कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर यदि हमारा संबंध कृष्ण द्वारा आई भगवद गीता से नहीं है तो फिर वो जन्माष्टमी व्यर्थ गई। तो अर्जुन खड़े हैं कहां, युद्ध के मैदान में कांप रहे हैं, अनेक तरह के भ्रम है उनके अंदर, कई तरह की मान्यताएं हैं, कई तरह के डर हैं, मृत्यु के डर हैं, पाप हो जाने के डर हैं, कर्म बंधन के डर हैं, और वो अर्जुन और कोई नहीं हम ही हैं। हमारे जीवन में लगातार यही तो रहता है, डर, कामनाएं, पछतावा, कुछ किया तो क्या होगा, कुछ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, और मोह ममता लगाव, उचित अनुचित का चुनाव, इन्हीं सबसे तो हमारी जिंदगी भरी हुई है। तो जो बात कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, वास्तव में वह हमसे कह रहे हैं, क्योंकि हम जीवन की महाभारत के मध्य में खड़े हैं। तो दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म योग यानी निष्काम कर्म में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। क्या कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण? कृष्ण कह रहे हैं कि जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, व्यवसायात्मिका बुद्धि, वो एक ही होती है, परंतु जो सकामी मनुष्य होते हैं उनकी बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। सबसे पहले समझो कि बुद्धि क्या है। क्या बुद्धि अपने आप में कोई आखिरी चीज है? नहीं, बुद्धि एक संसाधन है, ठीक, और संसाधन कि अपनी कोई दिशा नहीं होती, संसाधन का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, और संसाधन अपने आप में ना अच्छा होता है और ना बुरा होता है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमारे पास है, उसके कारण, उसके उपयोग से हम लाभ हानि का, फायदे और नुकसान का जोड़ तोड़ कर पाते हैं, हिसाब लगा पाते हैं। मगर बुद्धि का होना मात्र ही पर्याप्त नहीं होता है। बुद्धि को संचालित कौन कर रहा है? उसका संचालक कौन है? जो बुद्धि है उसको आप लगा कहां पर रहे हो?
यह महत्वपूर्ण होता है। हमने कहा बुद्धि माने संसाधन, और संसाधन माने आपके पास जो कुछ भी संसाधन है, बुद्धि संसाधन है, धन संसाधन है, समय संसाधन है, जीवन संसाधन है, विचार करने की शक्ति संसाधन है। तो जैसे कार का उपयोग मैं मंजिल पर पहुंचने के लिए भी कर सकता हूं और किसी दूसरी कार में जाकर भड़कने के लिए भी कर सकता हूं, ये किस पर निर्भर करता है? संचालक पर। उसी तरह मुझे ये जो संसाधन मिले हैं, इनको मैं किसकी सेवा में लगा रहा हूं, मैंने अपनी बुद्धि को कहां पर समर्पित कर दिया है, इससे ये निश्चित हो जाएगा कि जो बुद्धि है वह निश्चयात्मिका बुद्धि है या अनेक भेदों में बंटी हुई बुद्धि है। एक चोर होता है, एक लुटेरा होता है, एक भ्रष्टाचारी होता है, बहुत सारे व्यापारी होते हैं जो शोषण करते हैं, बुद्धि तो इनके पास भी होती है, पर ये कहां उसको लगा रहे हैं, किन किन दिशाओं में इनकी बुद्धियां लगी हुई हैं, ये भी तो महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि निश्चयात्मिका बुद्धि तो एक ही होती है। एक माने क्या? एक माने वो बुद्धि जो एक को समर्पित है, और एक माने वो जो आखिरी है, जो आपको चाहिए, जिसकी प्यास आपको है। अनेक दिशाओं में भी अगर बुद्धि भटक रही है तो उन सबके माध्यम से भी तो अंततः आप कुछ चाहते हैं, तो अंततः जो आपको चाहिए वो है मुक्ति, वो है कृष्ण। कृष्ण मुक्ति का ही दूसरा नाम है, कृष्ण पूर्णता का ही, निष्कामता का ही पर्याय है। तो जिसकी बुद्धि माने जिसके संसाधन, चाहे वो कोई भी संसाधन हो, वो यदि मुक्ति को समर्पित हैं, कामना को नहीं मुक्ति को समर्पित हैं, कृष्ण को समर्पित हैं, तो वह बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, उसको कृष्ण निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं। आगे कह रहे हैं किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। अस्थिर विचार, इसका अर्थ क्या है? अस्थिर विचार, विचार माने मत, राय माने ओपिनियन, जिनके विचार जिनकी जिनके मत जिनकी राय अलग अलग होती हैं, जिनके विचार बदलते रहते हैं, जिनको नहीं पता कि वास्तव में उन्हें चाहिए क्या, जिनको नहीं पता कि वास्तव में अंततः हर कामना को पूरा करके, हर उद्देश्य को हासिल करके, हर तरह की सफलता को पा करके, वो जो होना या बनना चाहते हैं वो सब कुछ करके, और अंततः अर्जुन तुझे भी युद्ध से भाग करके जो चाहिए वो क्या है? वो मुक्ति है। और जिसे नहीं पता कि उसे चाहिए क्या, वो कहलाते हैं अस्थिर विचार वाले विवेकहीन, इसलिए उनकी बुद्धियां बहुत भेदों में बटी होती हैं। अब यदि मुझे पता है कि मुझे अंततः दुख से मुक्ति चाहिए, अंततः अपने बंधनों से ही मुक्ति चाहिए, तो चाहे मेरे कर्म हो, चाहे मेरे संबंध हो, चाहे मैं कुछ भी करूं, कहीं आऊं कहीं जाऊं, कुछ पाऊं कुछ छोड़ूं कुछ पकड़ूं, उन सब के केंद्र में क्या होगा कि ऐसा करके मुझे अपने बंधनों से, अपने दुख से मुक्ति मिल रही है, ठीक। मगर जिसे नहीं पता कि उसे चाहिए क्या, वो किधर दौड़ेगा? जैसे दुर्योधन दौड़ रहा है, उसको लगता है कि युद्ध जीत करके अगर मैं ही राजा बना रहा तो मुझे चैन मिल जाएगा, अर्जुन को हरा दिया मार दिया तो चैन मिल जाएगा, किसी स्त्री का चीरहरण कर लिया तो उसे चैन मिल जाएगा,
धन संपदा पद प्रतिष्ठा सम्मान पा लिया तो चैन मिल जाएगा। चैन माने मुक्ति, जो अंदर का खालीपन है, अपूर्णता है, उससे राहत मिल जाएगी। तो नहीं पता उसे कि वास्तव में चाहिए क्या, तो वो अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहा है, उसकी बुद्धि बटी हुई है, द्वंद में फंसा हुआ है, अंतर विरोधों से वो भरा हुआ है। तो अलग अलग दिशाओं में उसकी बुद्धि, उसके संसाधन, उसकी ऊर्जा लगी हुई है। अपने जीवन में देखो कि आपका जो भी संसाधन आपके पास है, हर तरह के, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जो भी, वो सब कितनी दिशाओं में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, इसलिए आप अलग अलग दिशाओं में उन संसाधनों को लगा करके सोचते हैं कि शायद आपको चैन मिल जाए। जैसे होता है ना कि कुछ पैसा जमीन में लगा दो, कुछ सोने में लगा दो, कुछ शेयर मार्केट में लगा दो, कुछ मकान में लगा दो, ताकि एक आधी जगह कुछ नुकसान हो जाए तो शायद दूसरी जगह से फायदा हो जाए। क्योंकि हमें पता नहीं ना कि वास्तव में कहाँ लगाना चाहिए, और जब पता होता है कि कहाँ लगाना चाहिए तो वहां हम सारे संसाधन एक साथ लगा देते हैं, सारी ऊर्जा एक जगह लग जाती है। तो अस्थिर विचार वाले जो लोग होते हैं, जिनके राय बदलती रहती है, जिनके मत बदलते रहते हैं बार बार, और बदलते इसीलिए क्योंकि नहीं पता वास्तव में चाहिए क्या, तो किसी एक बात पर टिक नहीं पाते, उनकी बुद्धि अनेक भेदों वाली होती है। तो कह रहे हैं कि अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। विवेकहीन, विवेकहीन है इसलिए उनकी बुद्धियां अनेक दिशाओं में बटी हुई है। तो बुद्धि से ऊपर आता है विवेक। विवेक को प्राथमिकता दी जाती है बुद्धि के ऊपर। तो कह रहे हैं कि विवेकहीन सकामी मनुष्यों की बुद्धियां, सकामी है कामनाएं, माने कामनाओं से भरा हुआ है, पर विवेक नहीं है। मुक्ति भी तो कामना ही है ना, पर जिसमें विवेक नहीं है उसके अंदर भी कामनाएं होती है, पर उसके अंदर सीधे सीधे मुक्ति की कामना नहीं होती है। वो कुछ करके मुक्त होना चाहता है, कुछ पाकर के मुक्त होना चाहता है, कुछ होकर के मुक्त होना चाहता है अपने दुख से, अपने अपूर्णता से। और विवेक यही काम आता है कि कुछ पाकर के, कुछ बन करके, कुछ हो करके अपूर्णता नहीं मिटेगी, ये देख पाना, यही विवेक है। क्योंकि जो अपने आप को अपूर्ण मान रहा है अंदर, वो अहम है, अहंकार है, और अहंकार की अपनी कोई सत्ता होती नहीं है, वो है नहीं मगर मानता है कि वो है। तो विवेकहीन कौन है? वो जो सकामी है, जिसको ये भ्रम है कि जगत में कुछ पाकर के, कुछ हासिल करके, कुछ बन करके मुझे चैन मिल जाएगा, वो विवेकहीन है। वो देख नहीं पा रहा है कि जो उसे दिखाई दे रहा है, जो अनुभव हो रहा है, जो वो किसी वस्तु को समझ रहा है, वह तो बस उसकी ही कामना का प्रक्षेपण मात्र है। हमने कहा कि जिस प्रकार संसाधन अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो इस पर निर्भर करता है कि उसका संचालक कौन है, उसका उपयोग कौन कर रहा है। अहंकार अगर बुद्धि का उपयोग कर रहा है तो बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है, और सत्य बोध अगर बुद्धि का उपयोग कर रहा है, विवेक अगर बुद्धि का उपयोग कर रहा है, तो वह निश्चयात्मिका बुद्धि है। तो जो तुम्हारी कामना का विषय है, वो अपने आप में ना अच्छा है, ना बुरा है, ना सुंदर है, ना कुरूप है, मगर तुम्हारी कामना उसे कुछ ना कुछ बना देती है और तुम्हें आश्वासन देने लगती है कि वो तुम्हारी कामना को पूरी कर देगी।
मगर आज तक जो कामनाएं पूरी हुई हैं, जरा उनको देखो तो, क्या सचमुच किसी कामना ने आपको पूर्णता दे दी? और अगर पूर्णता दे दी होती तो आप कोई कामना नहीं रहती। अभी कामनाएं बाकी हैं, इसका अर्थ क्या है कि पिछली जो कामनाएं पूरी हुई हैं उनसे पूर्णता नहीं मिली, तृप्ति नहीं मिली। तो निश्चयात्मिका बुद्धि क्या है कि जब अहंकार, जब आप ये निश्चय कर लेते हैं, जब आप ये निश्चय कर लेते हैं कि बुद्धि, बुद्धि माने संसाधन वही समर्पित करूंगा जहां मेरे बंधन कटते हों, जहां मेरे भ्रम मिटते हों, वहीं पर अपना समय, अपना जीवन, अपने संसाधन सब वहीं समर्पित करूंगा, अपनी बुद्धि भी वहीं लगाऊंगा। जब आप ऐसा निश्चय कर लेते हैं तब आपकी जो बुद्धि होती है वह निश्चयात्मिका बुद्धि कही जाती है। ऐसी बुद्धि को निश्चयात्मिका बुद्धि कृष्ण कह रहे हैं। तो वस्तुतः कृष्ण कह रहे हैं कि अनेक जगह से, अनेक दिशाओं से अपनी बुद्धि को हटाओ, मत दुड़ाओ उसको। अर्जुन क्या कह रहा है, अगर मैंने ऐसा कर्म किया तो ये पाप लग जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, नरक में न जाने क्या क्या दंड मिलेगा, पितरों के साथ क्या होगा, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। कितने भ्रम है अर्जुन के। कृष्ण कह रहे हैं सब ओर से अपनी बुद्धि को हटाओ और ला करके मुझे समर्पित कर दो, माने मुक्ति को समर्पित कर दो, बोध को समर्पित कर दो, और युद्ध करो, निष्काम हो जाओ। माने ये जो व्यक्तिगत तुम सोच रहे हो ना, ये अहंकार है, और इसकी जब तक परवाह कर रहे हो, मेरा क्या होगा, मेरे पितरों का क्या होगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, ये तुम मैं की सेवा में लगे हो, इस अहंकार की सेवा में लगे हुए हो। तुम अहंकार को अपनी बुद्धि समर्पित मत करो, बल्कि मुझे करो और युद्ध करो, इस बात की परवाह मत करो कि स्वर्ग मिलेगा या नरक। ये तो कामना है, ये अहंकार की कामना है, क्योंकि अपूर्ण अहंकार होता है, तुम अपूर्ण नहीं हो। तुम वो करो जो अभी उचित है, जरूरी है, जिसमें सबका भला है। जिनकी बुद्धि बहुत भेदों वाली होती है, अनंत दिशाओं में होती है, क्यों होती है? आप अपने संसाधनों को, अपनी बुद्धि को, अपनी ऊर्जा को किसी भी दिशा में लगाते हैं, वो दिशा किसने तय करी? समाज ने। समाज ने आपको बता दिया कि यहां समर्पित हो जाओ। संयोगों ने आपको वहां लाकर खड़ा कर दिया और कह दिया यहां समर्पित हो जाओ। संस्कारों ने आपको लाकर समर्पित कर कह दिया कि इधर को आगे बढ़ जाओ। शिक्षा ने, आपके अंदर की वृत्तियों ने, आपकी मान्यताओं ने, आपके पूर्वग्रहों ने, इन सब ने ये तय कर दिया कि कहां पे जाकर समर्पित हो जाओ। तो ये हैं जो आपकी बुद्धि को अनेक दिशाओं में समर्पित करते हैं, लगा देते हैं, बांट देते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि निश्चयात्मिका बुद्धि तो एक ही होती है, मगर जो लोग सकामी होते हैं, कामना से भरे होते हैं, जो समाज, संयोग, संस्कार, पूर्वाग्रह, मान्यता, इन सब के चलाए चलते हैं, उनके अपने अपने निजी स्वार्थ होते हैं, कामनाएं होती हैं, इसलिए उनकी बुद्धि अनेक दिशाओं में बटी होती है। तो वह बुद्धि जो निष्कामता को समर्पित है, माने जो अहंकार को समर्पित नहीं है, वह निश्चयात्मिका बुद्धि है। और जो अहंकार को समर्पित है, जो सकामी है, जो इस मान्यता से संचालित है कि कुछ पाकर के पूर्णता मिल जाएगी, वह निश्चयात्मिका या व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं है। अब देखो कि आप जन्माष्टमी मना रहे हो तो क्यों मना रहे हो? आनंद में हो इसलिए जन्माष्टमी मना रहे हो, या जन्माष्टमी मना करके
आनंद पाने की कामना कर रहे हो, आनंद में हो, प्रेम में हो, इसलिए मटकी फोड़ रहे हो या मटकी फोड़ करके आनंद पाने की कामना कर रहे हो। मुक्त हो इसलिए उत्सव मना रहे हो या उत्सव मना करके कुछ मनोरंजन करके थोड़ी देर के लिए मुक्त होने का भ्रम पाना चाहते हो, खुद को भुलाना चाहते हो। जीवन को, समय को, संसाधनों को, बुद्धि को वहां लगा करके अपने बंधनों से, अपने दुख से मुक्त हो रहे हो या बस इन सब मनोरंजनों के माध्यम से खुद को भुला रहे हो, नशा कर रहे हो। जन्माष्टमी कहीं आपके लिए नशा तो नहीं है? जन्माष्टमी के दौरान, उत्सव के दौरान आप बोध में हैं, होश में हैं या उस वक्त बेहोशी छाई हुई है? इसी से तय हो जाएगा कि आपकी बुद्धि इसको समर्पित है, निश्चयात्मिक बुद्धि है या नहीं। अक्सर हमारे अधिकांश उत्सव, त्योहार, ये सब मनोरंजन के साधन बन जाते हैं। इनके माध्यम से हम स्वयं को भुलाने का प्रयास करते रहते हैं, अर्थात इनके माध्यम से हम स्वयं को कुछ देर के लिए बेहोश कर देते हैं। और बोध का तो अर्थ ही है कि बेहोशी अब नहीं है, भ्रम में अब नहीं जी रहे हैं। आनंद है जीवन में तो अब नशे की आवश्यकता नहीं। तो अपनी बुद्धि को सही जगह लगाएं, जहां आपके बंधन कटें, जहां दुख वास्तव में मिटे, जहां बेचैनी मिटे। सुख के साधनों, चैन, इन सब के पीछे मत भागो। बंधनों को हटाओ, बेड़ियों को हटाओ। बेड़ियों को तोड़ने में बुद्धि लगाओ, कैसे टूटेगी। लाभ और हानि अगर देखना ही है तो इस तरह देखो कि जो करने जा रहा हूं उससे बंधन कम हो रहे हैं या और बढ़ रहे हैं। एक जगह लगा दो बुद्धि को, मुक्ति में, कृष्ण में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।